आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणेश कैजुअल व्लॉग्स में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ सिद्धि विनायक जी का दर्शन। सिद्धि विनायक गणपति मंदिर गया था मैं आज और काफी अच्छा दर्शन हुआ दोस्तों मुझे, और मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपको। दोस्तों ये दादर का सिद्धि विनायक मंदिर है और दोस्तों मैं कसम से कह रहा हूँ वहाँ पे वीडियो शूट करने में और फोटोग्राफी करने में बहुत ही मुश्किल आई है दोस्तों मुझे, क्योंकि वहाँ पे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है पुलिस को और वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी है और पुलिस और सिक्योरिटी ने बिल्कुल रोका है वहाँ पे दोस्तों। अंदर का वीडियो बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, कौन से भी चैनल के देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी। लेकिन मैं आज बहुत ही मुश्किल से अंदर का पूरा शूटिंग करके लाया हूँ दोस्तों, वो कैसे किया वो मुझे ही मालूम है दोस्तों। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, स्किप मत कीजिए, अंदर का आपको पूरा वीडियो देखने को मिलेगा दोस्तों, और ये किसी भी चैनल पे आपको नहीं देखने का मिलेगा दोस्तों, जैसे मेरे वीडियो पे देखने को मिला। तो प्लीज पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। तो आइए चलते हैं, आपको वीडियो देखा दोस्तों। दोस्तों हम अभी एंट्री गेट से मंदिर के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है। दोस्तों अंदर वीडियो शूटिंग बिल्कुल मना है, उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ, फोटोग्राफी कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए पुलिस का बहुत ज़्यादा पहरा है, उसके बावजूद मैं शूटिंग कर रहा हूँ। दोस्तों ये बाहर का व्यू है मंदिर के बाहर का, और मंदिर के बाहर देखिए कितनी हाई सिक्योरिटी है, सब पुलिस लोगों की सिक्योरिटी दोस्तों, बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन किया है गणपति मंदिर के एरिया को, देखिए दोस्तों आप। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं दोस्तों, मेरा दर्शन हो गया है, मैं अभी निकल रहा हूँ महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन करने। तो मैं अभी पहुँच गया हूँ घर पे, दर्शन अच्छा हुआ दोस्तों, आप भी लोग दर्शन लीजिए वहाँ पे जाके, काफ़ी अच्छे मंदिर है। तो मैं अभी काफ़ी थक गया हूँ, बहुत भीड़ थी, मैं अभी जा रहा हूँ फ्रेश होने। बस आप हमारा वीडियो ऐसे ही देखते रहे, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों कल मैं आपके लिए महालक्ष्मी दर्शन का वीडियो लेके आऊँगा।